से शुरू हो रहे शीतकालीन अधिवेशन का टेंशन अब पुलिस विभाग के माथे पर साफ देखा जा सकता है। इस दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस आयुक्त ने लगभग सभी मोर्चा पॉइंट का दौरा किया। शनिवार के दिन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जीरो माइल मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट का जायजा लिया। सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के लिए शहर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त रहेगा। इसके लिए राज्य भर से 3000 पुलिस कर्मियों की मांग की गई है। इसके अलावा SRPF की 7 कंपनियां भी नागपुर आएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्थान की कंपाउंड वॉल की ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया है कि लगभग सभी पुलिस के आला अधिकारी बंदोबस्त की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और इसी श्रृंखला में शनिवार को मॉरिस टी पॉइंट चौक पर भी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जायजा लिया गया। सभी बंदोबस्त बहुत बड़े पैमाने पे लगाए गए हैं। सुरक्षा का विषय हो, कायदा सुव्यवस्था का विषय हो या वातावरण का विषय हो, सभी को ध्यान में रख के बंदोबस्त लगाई गई है। अपने हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत बड़े पैमाने पे शहर पुलिस के और बाहर जिले से भी आए हुए हैं। उनकी वेलफेयर की भी दृष्टि से उपाय योजना की गई है और हमें विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं। उनका जो भी विषय है, भोजन का हो, पीने के पानी का हो, टॉयलेट्स का हो, आरोग्य का हो, सभी का ध्यान रख के उपाय योजना की गई। टोटल 4 मोर्चा स्टार्टिंग पॉइंट है, 5 स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं। एकंदरित अगले 10 दिनों में करीब करीब 75 मोर्चे का आवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है, वो संबोधित किया गया। महिला पुलिस कर्मियों के लिए विशेष उपाय योजना किया गया है। उनके लिए टॉयलेट्स के लिए स्पेशल व्यवस्था मेट्रो के साथ टाइप करके की जा रही है और सभी प्रकार की जो सुविधा आवश्यक है उसकी पूर्ति। वैनिटी वैन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके आराम करने के लिए मेट्रो की जो इमारत है उसमें इंतजाम की गई है और सभी प्रकार की विषयों पे ध्यान रखा जा रहा है। इस बार मोर्चे में शामिल आंदोलनकारियों के उग्र होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में डिटेंशन सेंटर यानी खुली जेल का निर्माण भी किया गया है। विशेष शाखा द्वारा हर एक मोर्चे में कितने लोग शामिल होंगे, कौन इसका नेतृत्व करेगा, इसका पूरा ब्यौरा भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे अंतराल के बाद शीत सत्र होने के कारण इस बार मोर्चों की संख्या 75 के पार जा सकती है। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।